रेगिस्तान में पाया जाने वाला यह खतरनाक सांप, जिसका नाम है साइड वाइंडर स्नैक, यह सांप 18 मील प्रति घंटे की रफ्तार से रेगिस्तान में चल सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि यह सीधा नहीं बल्कि यह अपने बाईं या दाईं तरफ होकर ही कुछ इस तरह से चलता है। यह स्नैक अपना शिकार करने के लिए उसका पीछा नहीं करता बल्कि रेत के अंदर छुप जाता है और शिकार के नजदीक आने का इंतजार करता है। यह सांप अपनी बॉडी को रेत के अंदर कुछ इस तरह से छुपा लेता है कि उसकी सिर्फ आंखें ही बाहर रहती है। जैसे ही शिकार उसके नजदीक आता है, यह खतरनाक सांप उसे झट से दबोच लेता है। दोस्तों, इसलिए अगर आप भी रेगिस्तान में जाते हैं तो सावधान रहें और जूते पहनकर ही रेगिस्तान में जाएं।